please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली NCR में सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी झेल रहे दिल्ली वालों को मौसम के बदले मिजाज से राहत मिली है। दिल्ली और उसके आसपास सुबह से हल्की बारिश हो रही है और आसमान में बादल छाए हैं। अनुमान है कि दिल्ली NCR में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राज्य के DGP OP सिंह ने पुलिस की 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। गाजियाबाद समेत राज्य के सभी जिलों में पुलिस को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे DGP OP सिंह ने ट्रैफिक और सिविल पुलिस के लिए नई मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। दावा किया जा रहा है कि इनकी मदद से पुलिस की गश्त बढ़ेगी और अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 109 टू व्हीलर्स को हमने फ्लैग ऑफ किया, हमने रिस्पांस टाइम पे बहुत महत्व दिया है और उनको हमने घटाने की कोशिश की है। तो फोर्स की कमी तो जरूर है, लेकिन हमारी नियत में और हमारे सामर्थ्य में कमी नहीं आई है। इसके साथ ही DGP ने गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड ई चालान प्रणाली का उद्घाटन करते हुए खुद 3 गाड़ियों के चालान काटे। इंटीग्रेटेड ई चालान के जरिए किसी गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी और चालान काटने के साथ भुगतान करने की सुविधा होगी। इसके अलावा रसीद भी हाथों हाथ मिल जाएगी। ये हमारे स्ट्रैटेजिक चौराहे पे होंगे जहां हम त्वरित गति से चालान कर सकेंगे और चालान का प्रमाणिकता हम साबित कर पाएंगे। DGP ने उम्मीद जताई कि जल्दी राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भी इंटीग्रेटेड ई चालान की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, जिसकी मदद से ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद में DGP OP सिंह ने पुलिस की ओर से चलाए जा रहे एक समर कैंप में भी हिस्सा लिया, जिसका मकसद गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को जानकारी देने के साथ उन्हें पुलिस के करीब लाना है। हमने बच्चों को कुछ प्रेरणा, कुछ चीजें सिखाने की कोशिश की है और ये भी दिखाने की कोशिश की है कि पुलिस उनके साथ है, उनकी मित्रवत है। DGP ने जिले में कानून व्यवस्था के हालात पर अफसरों के साथ चर्चा की और इस बीच जन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इसके साथ गाजियाबाद पुलिस की नई पहल डायल FIR का भी उद्घाटन किया और दावा किया कि पुलिस की मुस्तैदी से राज्य में गंभीर अपराधों में कमी आई है। भारी मात्रा में गिरफ्तारियां, इतनी भारी संख्या में इस तरह की कार्रवाइयां निसंदेह अपराधियों के लिए खौफ का विषय रहा है और यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े अपराधी जो हैं वो इस प्रदेश से पलायन हो गए हैं। DGP ने राज्य में पुलिस कर्मियों की बड़ी तादाद में नियुक्ति का दावा किया और कानून व्यवस्था के और बेहतर होने की उम्मीद जताई। दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से लिपटकर प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली में सरकारी फ्लैट बनाने के लिए 17,000 पेड़ों को काटे जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी विरोध दर्ज कराया, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेड़ों से लिपटकर उन्हें बचाने की अपील की और उन पर अलग अलग तरह के कई पोस्टर भी लगाए, जिन पर मुझे बचाओ के नारे लिखे थे। दिल्ली में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अब कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस की तरफ से महिला कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर उतरी है। इस तरह से चिपको आंदोलन जो है दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है कई दिनों से। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता फुटपाथ पर कतार में लगे पेड़ों को घेर कर खड़ी हो गयी। इसके बाद उन्होंने पेड़ों को काटे जाने के मसले पर केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भी निशाने पर लिया। जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है तब से 15,000 पेड़ कट चुके हैं और अब 16,500 पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में दम घोटने वाली आबोहवा और प्रदूषण के मुद्दे पर कांग्रेस ने हल्ला बोला तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को ये बताकर वायरल कर दिया गया कि दिल्ली में कोर्ट की रोक के बाद भी पेड़ काटे जा रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीर में दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी दिखी और दावा किया कि पुलिस की गाड़ी में कटे हुए पेड़ का जो हिस्सा नजर आया उसको दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के बाद काटा गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस वायरल तस्वीर पर अब तक कोई सफाई नहीं दी गई। NVCC के कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ पे चढ़ के डालों की कटाई कर रहे थे। लगभग 3 पेड़ थे जिसपे लगभग 3-4 लोग चढ़े हुए थे। पेड़ों को काटने का विवाद गरमाया तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन भी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। दावा किया गया कि इमरान हुसैन ने ही दिल्ली में पेड़ों को काटने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसे उपराज्यपाल के पास भेजा था। ये डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर इमरान हुसैन के साइन है और उन्होंने खुद अप्रूवल दिए, रिकमेंड किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। फिलहाल मामले में हाईकोर्ट की तरफ से 4 जुलाई तक पेड़ों को काटने पर रोक लगाई गई। दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर मचे हंगामे के बीच NCR के गाजियाबाद से कुछ अहम आंकड़े सामने आए हैं। गाजियाबाद में कुछ अहम योजनाओं को पूरा करने के लिए हाल ही में 15,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया। हालांकि ये सभी वो प्रोजेक्ट थे जो NCR में ट्रैफिक के हालात को दुरुस्त करने के लिए बेहद जरूरी थे, लेकिन इनके लिए हजारों पेड़ काटने पड़े। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए करीब 11,000 पेड़ों को काटना पड़ा। गाजियाबाद में बन रहे
RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 2000 पेड़ों को काटा गया। हिंडन नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए 174 पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ी, जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए अकेले गाजियाबाद में 437 पेड़ काटने की जरूरत पड़ी। हालांकि वन विभाग का दावा है कि इनकी भरपाई के लिए 51,000 नए पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए काम करने वाली कुछ संस्थाओं का आरोप है कि काटे गए पेड़ों की भरपाई के दावे सही नहीं है। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में नीली बत्ती वाली मोटरबोट पर सवार सुरक्षा बल के हथियारबंद जवान गश्त लगाने लगे। अमरनाथ यात्रा के समय डल झील पर आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट मिलने के बाद सीआरपीएफ की मोटरबोट ने यहां की चौकसी बढ़ा दी, जिसे ऑपरेशन डल नाम दिया गया, जिसके तहत डल झील में अब लगातार 24 घंटे गश्त शुरू कर दी गई। AK-47 और आधुनिक हथियारों से लैस सीआरपीएफ के ये जवान हर खतरे से निपट सकते हैं। यहाँ पर श्रीनगर के डल लेक में आप वाटर विंग की तैनाती देख सकते हैं कि कितनी मुस्तैदी से सीआरपीएफ की वाटर विंग तैनात है। खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि अमरनाथ यात्रा के समय आतंकी पर्यटक के वेश में हमला कर सकते हैं, डल झील में हाउस बोट और शिकारों को निशाना बना सकते हैं। किसी तरीके से टूरिस्ट को जो है घबरा जाए हो किसी तरीके से और अमरनाथ यात्रा में कोई रुकावट आए, इस तरीके की कोशिश करेंगे। डल झील में तैनात मोटरबोट की संख्या को भी 4 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया, ताकि सीआरपीएफ किसी भी खतरे का तेजी से जवाब दे सके। लेकिन अमरनाथ यात्रा को देखते हुए डल झील की सुरक्षा ही नहीं बढ़ाई गई है, श्रीनगर की कई अहम इलाकों की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई। खासतौर से उन मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है जहां आमतौर पर अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालु जाते हैं, जिनमें श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर भी शामिल है। यात्रा शुरू होने से पहले यहां भी सुरक्षा सख्त कर दी गई। यहां पर भी जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का, जो सुरक्षा बल है, किसी भी तरीके से वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर है जिससे पूरा श्रीनगर साफ दिखाई देता है। एंटायर हिल जो है फॉरेस्ट एरिया है, सिक्योरिटी जो है हमें के लिहाज से अच्छा ध्यान देना पड़ता है। मंदिर के आसपास जंगल का इलाका भी है, जिसकी सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास भी जवानों को तैनात किया गया है।